चलो बेटा देखो, अगली क्लास में हमने जो पिछली क्लास में जो छोड़ा था कल माइक्रोस्पोर बनाया था, उससे जस्ट आगे वाला पोर्शन हम देखने वाले हैं। हमने जहाँ माइक्रोस्पोर तक बनाया था उससे आगे वाला हम देखने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रैन। अब हमारा न्यू हेडिंग लगेगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रैन या मेल गेमिटोफाइट। इसको लिख सकते पोलन ग्रैन को मेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं। मेल गेमिटोफाइट देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, अनइक्वल माइटोसिस होता है। सबसे पहले ध्यान रखना अनइक्वल माइटोसिस होगा, अनइक्वल माइटोसिस होगा। अनइक्वल माइटोसिस में क्या होगा समझना, जैसे मैं आपको बताऊं, ये माइक्रोस्पोर है, ये क्या है माइक्रोस्पोर जो बन गया है। इस माइक्रोस्पोर के अंदर सबसे पहले एक बहुत बड़ी वैक्यूल बनेगी, ये माइक्रोस्पोर इसमें एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाएगी, जिससे कि न्यूक्लियस से इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी पेरिफेरल, न्यूक्लियर की पोजीशन कैसी हो जाएगी पेरिफेरल न्यूक्लियस हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी। बड़ी लार्ज साइज वैक्यूल बनने के कारण पेरिफेरल पोजीशन आ जाएगी ना, पेरिफेरल न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या होगा समझना, अब इसमें अनइक्वल माइटोसिस होगा। अब इसमें क्या होगा एसिमेट्रिक अनइक्वल माइटोसिस होगा, तो उससे सबसे पहले इसके अंदर एसिमेट्रिकल स्पेंडल स्पाइंडल फाइबर्स बनेंगे। क्या बनेंगे एसिमेट्रिकल स्पाइंडल फाइबर्स बनेगा, और उसके बाद एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा, एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा, और एसिमेट्रिक माइटोसिस से कुछ इस प्रकार के दो सेल बनेंगे। एक बड़ी सेल थी, कुछ इस प्रकार की दो सेल, एक सेल इसका न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा अनशेप्ड होगा है ना, न्यूक्लियस हो जाएगा। जो बड़ी वाली सेल होगी उस बड़ी वाली सेल को हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। और जो स्मॉल साइज वाली होगी इसे बोलेंगे जर्म सेल, या इसको जो दूसरा नाम और बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं जनरेटिव सेल, जर्म सेल या जनरेटिव सेल बोल देंगे। अब समझना देखो, एक जो है आकार में बड़ी है उसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, दूसरी जो आकार में छोटी है उसे बोलेंगे जर्म सेल है ना, इसे बोलेंगे जर्म सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल है, आप कुछ समझना, वेजिटेटिव सेल है तो इसमें क्या होगा साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा है ना, तो जो भी न्यूट्रिशन होगा, जो भी न्यूट्रिशन इकट्ठा होगा किसमें होगा वेजिटेटिव सेल के अंदर। जर्म सेल या जनरेटिव सेल में क्या होगा, इसकी छोटी है तो इसमें न्यूट्रिशन कम होगा, तो जो वेजिटेटिव सेल है वो ही पोलन ग्रैन सॉरी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और जर्म सेल के जो है गैमिट्स बनेंगे। नॉर्मली 60% एंजियोस्पर्म, देखो समझना 60% एंजियोस्पर्म, अब क्या लिख रहा हूँ 60% एंजियोस्पर्म में इस टू सेल स्टेज में, ये टू सेल स्टेज के अंदर ये माइक्रोस्पोर या मेल गैमिट्स जो हैं स्टिग्मा पर, टू सेल स्टेज में स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पर स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, टू सेल सेल में स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर टू सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रैन जो है किसी भी मेथड से, चाहे बाई एयर आए, चाहे वो बाई एयर आए, चाहे किसी भी मेथड से आए, बाई इंसेक्ट आए, बाई चाहे आपका तो बाई वाटर आए, किसी भी मेथड से आए, किसी भी मेथड से आए, लेकिन 60% एंजियोस्पर्म इस टू सेल स्टेज के अंदर ही ये पोलन ग्रैन जो है स्टिग्मा पर लैंड हो जाता है। फिर इसके अंदर आगे का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर होगा, जो इसमें वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगी, और जो जर्म सेल है उसके अंदर माइटोसिस होगा, जिससे कि दो गैमिट बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे, जिसके बाद माइटोसिस दो न्यूक्लियस, उसके बाद दो सेल बन जाएगा, दो सेल स्टेज हो जाएगी, तो दो सेल स्टेज दोनों मेल गैमिट कहलाएंगे है ना। तो जर्म सेल से दो मेल गैमिट्स बनेंगे, और वेजिटेटिव सेल जो है वो ट्यूब बनाएगी, वेजिटेटिव सेल से ट्यूब बनेगी है ना, पोलन ट्यूब बनेगी, ये ध्यान रखना। और अब सुनना 40% उनसे एंजियोस्पर्म है, चलो ऊपर ले लेते हैं इसे,
40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा, 60 तो ऐसे होता है, 40% एंजियोस्पर्म इसके अंदर क्या होगा वो समझना। ये जो टू सेल स्टेज है ठीक है, इसकी जगह पर थ्री सेल स्टेज हो जाती है। थ्री सेल स्टेज के अंदर ये 40% के अंदर रिलीज होता है, 40% एंजियोस्पर्म में ये थ्री सेल स्टेज के अंदर रिलीज होता है। अच्छा एक चीज और सुनना, आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, आप चाहो तो नोट लगा के लिख सकते हो नोट। तो बेटा एक तो केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस की बात सुनो, तो केलोट्रोपिस होता है बेटा केलोट्रोपिस, इस केलोट्रोपिस में जो ये पोलन ग्रैन है, पोलन ग्रैन केलोट्रोपिस के अंदर, केलोट्रोपिस में पोलन ग्रैन आपस में मिलकर पोलिनियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पोलिनियम, पोलिनियम बनाते हैं। नॉर्मली बात करें तो होता क्या है पोलिनियम, आपको याद हो तो इस टाइप का होता है बेटा, पोलिनियम बनाते हैं है ना, पोलिनियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा चाहो तो आप एक नोट और डाल सकते हो, नोटे और डाल सकते हो, जो ड्रोसेरा प्लांट होता है, ड्रोसेरा याद आ रहा है, ड्रोसेरा प्लांट, उसके अंदर क्या होगा, ड्रोसेरा प्लांट में, ड्रोसेरा प्लांट में क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन टेट्राड, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और कंपाउंड पोलन ग्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड पोलन ग्रेन बनाते हैं ठीक है। अच्छा इस वेजिटेटिव सेल का भी आप लिखना चाहो तो लिख देना, वेजिटेटिव सेल का भी लिखना चाहें, वेजिटेटिव सेल भी लिखना चाहो थोड़ा सा लिख देना। ये तो दो नोट हो गए वेजिटेटिव सेल का, वेजिटेटिव सेल में क्या होता है वो समझना। सबसे पहले जिसके अंदर मोर साइटोप्लाज्म होगा, जर्म सेल के कंपैरिजन में साइटोप्लाज्म इसके अंदर ज्यादा होगा, मोर साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि इसके अंदर फूड रिजर्व भी हो इसके अंदर ही होगा, फूड रिजर्व भी इसके अंदर ही होगा। और जब फूड रिजर्व है ना, ये ट्यूब सेल भी यही बनाएगी, फूड रिजर्व इसमें ही है, ट्यूब सेल भी यही बनाती है, ट्यूब पोलन ट्यूब भी यही बनाती है, यही सेल बनाती है, है ना। इसके अलावा इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर, मैंने आपको बताया ना इररेगुलर, इररेगुलर पोलन ग्रेन न्यूक्लियस, सॉरी इररेगुलर न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और ये पोलन ट्यूब बनाती है। आप चाहो तो अलग से ट्यूब यहाँ लिखो, या पोलन ट्यूब भी इसी के द्वारा बनती है, फॉर्मेशन कौन करेगी, यही करेगी। जर्म सेल क्या करेगी, गैमेट्स बनाएगी, जर्म सेल क्या करेगी, गैमेट्स बनाएगी। देखो इसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं, हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है समझना वापस। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट, हमने बात की थी जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर सबसे पहले अनइक्वल माइटोसिस, सबसे पहले अनइक्वल माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस से पहले इसके अंदर जो है एक लार्ज साइज वेक्यूल बनेगी, माइटोसिस से पहले इसमें एक लार्ज साइज वेक्यूल बनेगी, जिससे कि जो ये न्यूक्लियस है इसकी पोजिशन पेरिफेरल हो जाएगी, पेरिफेरल किनारे की ओर आ जाएगा। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा, यानी कि अनइक्वल माइटोसिस, एसिमेट्रिक माइटोसिस को हिंदी में आप सॉरी दूसरी भाषा अनइक्वल माइटोसिस भी लिख सकते हैं, अनइक्वल माइटोसिस, अनुकूल माइटोसिस भी लिख सकते हैं ठीक है। एसिमेट्रिक माइटोसिस के बाद में इसमें टू सेल बन जाएगी, टू सेल स्टेज बन जाएगी, एक जो लार्ज साइज सेल होगी उसे वेजिटेटिव सेल कहेंगे, और दूसरी जो स्मॉल साइज सेल होगी उसे जर्म सेल या जनरेटिव सेल कहेंगे। इस कंडीशन में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, इस कंडीशन के अंदर 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन फ्री हो जाता है, मुक्त फ्री हो जाता है फॉर पोलिनेशन। और अब इसी कंडीशन में स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा, इसमें आगे का डेवलपमेंट जो है स्टिग्मा पर होगा ठीक है। लेकिन 40% जो सॉरी 40% एंजियोस्पर्म है उसमें थ्री सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन फ्री होता है और स्टिग्मा पर लैंड होता है, थ्री सेल स्टेज आने के बाद ही वहां से फ्री होगा बाय पोलिनेटिंग एजेंट
किसी स्टिग्मा पर लैंड होगा। फिर उसके बाद हमने बात की थी, नोट लगाया था हमने कि केलोट्रोपिस के अंदर पोलन ग्रेन जो पोलिनियम बना देता है और ड्रोसेरा के अंदर जो पोलन ग्रेन टेट्राड है वो आपस में फ्यूज होकर कंपाउंड पोलन ग्रेन बनाते हैं। फिर हमने वेजिटेटिव सेल का देखा था कि वेजिटेटिव सेल के अंदर मोर साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर फूड रिजर्व होगा, इसके अंदर इरेगुलर न्यूक्लियस होगा और लास्ट में जो पोलन ट्यूब भी यही बनाएगा। यहाँ तक हमने देखा है, अब सुनना पोलन ग्रेन के बारे में ही लिखेंगे और हम और पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये जो पोलन ग्रेन है बेटा सुनो, पोलन ग्रेन नॉर्मल इसका शेप कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल शेप होता है, गोल होता है ना बेटा, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर जो होता है ये भी ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, इसका डायमीटर जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। आप मान के चले आपके नीट के जितने भी क्वेश्चन इसमें से आए हैं वो लगभग लगभग मैं सारे सॉल्व करवाता जा रहा हूँ नीट का। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना तब भी आपके सारे क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन नीट में अभी तक आए हुए क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ साथ साथ में, तो कुछ एक छूट जा कुछ भी छूटने नहीं दे रहा हूँ है ना। और इसके साथ साथ आपकी क्लास ट्वेल्थ का भी जो इम्पोर्टेंट सीबीएसई है चाहे आरबीएसई है अभी तक जो जो क्वेश्चन आया वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान आपको सॉल्व करवाते जाऊंगा है ना। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये पूरी यूनिट हम बहुत इजी वे में हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो देखो पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन के जो सबसे आउटर बाहर की जो सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल जो होती है सेल वॉल है ना। सेल वॉल का एक दूसरा नाम और होता है स्पोरो, देखो समझना स्पोरोडर्म, डर्म मतलब आउटलेयर, स्पोरोडर्म भी कहते हैं सेल वॉल को। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। देखो समझना, ये हुआ एंथर पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन के बाहर की साइड में जो है ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं एग्जाइन, ठीक है, और जो ये इनर वाली है इसको बोलते हैं इंटाइन। बात समझ आ रही है, जो इनर वाली है इसको बोलेंगे हम इंटाइन, सॉरी इनर वाली हाँ इंटाइन, और आउटर मोस्ट लेयर जो है इससे बाहर वाली लेयर है इससे बोलेंगे एग्जाइन। एग्जाइन के अंदर ही स्पोरोपोलेनिन होता है, कितना होता क्या होता है स्पोरोपोलेनिन कहाँ होता है एग्जाइन के अंदर। तो सेल वॉल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एग्जाइन एंड इंटाइन है ना। जो एग्जाइन है, एग्जाइन किसके बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की, और जो इंटाइन होती है, इंटाइन जो होती है पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। बेटा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आपकी ट्वेल्थ एनसीईआरटी में है वही पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके जो अभी तक नीट के क्वेश्चन आए वो भी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप कॉपी पेन लेके साथ लिखते जाएंगे, क्या करेंगे कॉपी पेन लेके साथ में लिखते जाएंगे। अब इसे एक्जाइन और इंटाइन के बारे इंटाइन के बारे में समझना आप। जो एक्जाइन जो है ये रेसिस्टेंट होता है, किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है, जितने भी चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम हो, एसिड हो, सबके प्रति रेसिस्टेंट होता है। तो ये बहुत ही हार्ड होता है, कैसा होता है बेटा ये बहुत ही हार्ड होता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो ना फैसिनेटिंग पैटर्न भी होते हैं बेटा, पैटर्न जो टैक्सोनॉमी में यूज होते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी में फैसिनेटिंग पैटर्न का यूज कहाँ होता है टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एंड वी डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट के जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं उसकी उसके टर्मिनोलॉजी क्या है, उसको ब्रांच है विज्ञान साइंस की वह ब्रांच जिसमें प्लांट के क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर जो ये फैसिनेटिंग पैटर्न होते हैं जो एग्जाइन के ऊपर मिलते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर, उसमें टैक्सोनॉमी में उसका यूज होता है, क्लासिफिकेशन में उसका यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इसके ऊपर जैसे ये देखो ये एपरेचर छिद्र टाइप दिख रहा है, छिद्र जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता इसे बोलेंगे इंग्लिश में एपरेचर, तो इसके ऊपर एपरेचर होगा जिसे जम पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऊपर एपरेचर होगा जिसे हम बोलेंगे जम पोर। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ध्यान रखना जम पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, यहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, यहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, क्या होगी
यहीं से पोलन ट्यूब लिख दो आप चाहो तो, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, पोलन ट्यूब यहीं से जर्मिनेट होगी। तो चूंकि यहाँ पे ये एपर्चर है या जंप पोर है, इसलिए इसको आपको कंटिन्यूज लेयर नहीं कहकर डिसकंटिन्यूज लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, ये लेयर कैसी है, डिसकंटिन्यूज लेयर है। कैसी है, डिसकंटिन्यूज लेयर है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो एपर्चर है या जो जंप पोर है ना बेटा, ये जंप पोर यहाँ साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा इस पेन से। जंप पोर डाइकोट के अंदर कितने होंगे, डाइकोट में 3 जंप पोर होंगे, और जो मोनोकोट है मोनोकोट के अंदर ओनली 1 जंप पोर होता है। ये ध्यान रखना 3 जंप पोर है यानी वो डाइकोट का है जंप पोर, और 1 जंप पोर है यानी वो मोनोकोट का पोलन ग्रहण है। किसका पोलन ग्रहण है, मोनोकोट का। ठीक है, ये तो हुई एक्जाइन के बारे में, हमने किसके बारे में लिखा, एक्जाइन के बारे में लिखा। अब बात कर लेते हैं इंटाइन की भी, एक्जाइन के बारे में हमने लिख दिया, इंटाइन की भी बात कर लेते हैं। इंटाइन में क्या क्या चीज होती है वो सुनना। इंटाइन जो है ये यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखना ये इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है या इनर लेयर है। इसके साथ साथ ये थीन है, एक्जाइन थिक है तो ये थीन है। ठीक है, इसमें कहीं भी जंप पोर नहीं है तो ये कंटिन्यूज है। कैसी है, इसको कंटिन्यूज लेयर बोल सकते हैं, कंटिन्यूज लेयर, ये कंटिन्यूज लेयर है। ठीक है, और इसी लेयर के एक्सटेंशन से ही पोलन ट्यूब बनती है, इसी लेयर के एक्सटेंशन से, इसके ही एक्सटेंशन से क्या बनती बेटा, पोलन ट्यूब बनती है, एक्सटेंशन से बनेगी पोलन ट्यूब। जब इस लेयर का एक्सटेंशन ही जंप पोर्स के बाहर आता है, जिससे कि पोलन ट्यूब बनती हैं। बात समझ में आ रही है क्या, दोबारा समझना इसी चीज को, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो हमने पोलन ग्रेन की बात की, पोलन ग्रेन नॉन स्फेरिकल, सॉरी पोलन ग्रेन जो है नॉर्मल स्फेरिकल शेप का होता है, इसका डायमीटर 25-50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो सेल वॉल है इसको स्पोरोडर्म भी कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आउटर मोस्ट लेयर को एक्जाइन और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे इंटाइन। तो बाहर की साइड उसे आउटर लेयर को एक्जाइन बोला है, अंदर की जो साइड है उसे इंटाइन बोला है ना। ये इसका डायग्राम है, ये देखो आउटर साइड जो दिख रही है एक्जाइन है, तो इनर साइड है वो इंटाइन है। ठीक है, जो एक्जाइन है ये एक्जाइन जो है स्पोरोपोलेनिन से बनती है, तो स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंट और मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, इसके ऊपर एक्जाइन के ऊपर जो है फैसिनेटिंग पैटर्न है ना, डिजाइन बनी हुई होगी, अलग अलग बढ़िया बढ़िया डिजाइनें बनी हुई होगी जिसका कि टेक्सोनॉमी में यूज होता है। इसके अलावा जो एक्जाइन है, इस एक्जाइन के ऊपर छिद्र एपर्चर होते हैं जिससे जंप पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जंप पोर। इस जंप पोर के पर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होता, जंप पोर पर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होता। डाइकोट है नॉर्मली, तो डाइकोट के अंदर 3 जंप पोर मिलेंगे, एक पोलन ग्रेन के अंदर एक डाइकोट के पोलन ग्रेन में 3 जंप पोर मिलेंगे, और एक मोनोकोट के पोलन ग्रेन के अंदर ओनली 1 जंप पोर देखने को मिलेगा। उसके बाद इस एपर्चर से ही या इस जंप पोर से ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, इस जंप पोर से ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। क्योंकि इसमें जंप पोर है इसलिए ये लेयर कंटिन्यू नहीं है, इसलिए इस एक्जाइन को डिसकंटिन्यूज लेयर भी कहते हैं। बाद में बात करें इंटाइन की, तो ये अंदर की साइड होती है, इनर साइड होती है, ये थीन होती है, पतली होती है, कंटिन्यूज लेयर है, किसके ऊपर जंप पोर नहीं है। और जब ये इस लेयर का ही इनर जो इंटाइन है इसका ही एक्सटेंशन पोलन ट्यूब है, मतलब इंटाइन ही आगे बढ़कर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करती है। नॉर्मली जो पोलन ट्यूब है, हम आगे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम, जैसे ये एक पोलन ग्रेन है, तो इसमें पोलन ट्यूब ऐसे जर्मिनेट होगी, वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, आगे की साइड में पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस होगा, बैक साइड के अंदर जो है जंप सेल का न्यूक्लियस होगा, इसमें डिविजन होगा, और इससे बाद में ये तो खत्म हो जाएगा, बाद में जो जंप सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस बनेंगे जो कि आगे जाकर डबल फर्टिलाइज करेंगे। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो है इसी के थोड़ा सा आगे कंटिन्यू क्लास करते हुए हम इस पोलन ट्यूब के बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में ही देख लेते हैं कि जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन है ना बेटा, इससे पोलन प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, इसका और भी यूज है, इससे पोलन प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक मिनट, आपको 2 मिनट, चलो एक तो आपको
इसकी पोलैंड की एनसीईआरटी की बुक अगर देखें, देखो ध्यान से समझना आप, अगर हम एनसीईआरटी की बुक से ही देखें तो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहे हैं, तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं ना पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, ये डिफरेंट डिफरेंट हर पोलन ग्रेन के ऊपर, मतलब अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने कहा था ना एग्जाम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है, तो इसमें आपको अलग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको अलग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अलग देखने को मिल रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ इस पर अलग अलग देखने को पैटर्न देखने को अपने को मिलता है। उसके अलावा जो पोलन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखें ये वाले पोलन प्रोडक्ट, ये क्या है पोलन प्रोडक्ट, तो इसमें कहाँ कहाँ यूज हो रहा है पोलन प्रोडक्ट, ये देखो आप ध्यान से देखो, ये रहे पोलन प्रोडक्ट है ना, प्योर पोलन प्रोडक्ट, इसके अलावा यहाँ पे ये बी पोलन, ये सारे पोलन प्रोडक्ट, इसका यूज कहाँ होता है वो समझना भी आप, तो सब मैं लिख रहा हूँ आपको। पोलन प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट जो होता है ये नॉर्मली इसकी टेबलेट बनाई जाती है, हमने हमने देखी टेबलेट्स बनाई जाती हैं, इसके अलावा इसकी सिरप भी बनाई जाती है। इसका क्या करते हैं, ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, पोलन के अंदर बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है बेटा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर बहुत ही अच्छा। अच्छा न्यूट्रिशन कौन सी सेल में होगा ये भी ध्यान रखना, हमें पता है न्यूट्रिशन कौन सी सेल में होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है, कौन सी सेल के अंदर होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है। और इसी न्यूट्रिशन के कारण इस पोलन ट्यूब की टेबलेट बनती है और इस पोलन ट्यूब की सिरप भी बनती है। और इसका यूज कहाँ होता है, ये क्या करते बेटा, जो आप लिख लो, चलो आप लिखो नॉर्मली इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एथलीट्स एंड, और कहाँ यूज होते हैं बेटा, जो रेस करते हैं ना घोड़े, रेस हॉर्स, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं वो भी इसकी गोलियां खाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, है ना। इसके अलावा जो रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, हॉर्स होते हैं, उनमें उनको भी ये खिलाया जाता है, उनको भी ये खिलाया जाता है पोलन प्रोडक्ट के अंदर, है ना बेटा। टेबलेट बनाई जाती है, इसकी सिरप बनाई जाती है, इसका डेली लाइफ पे भी यूज है। इसके अलावा जो ये पोलन ग्रेन है ना बेटा, पोलन ग्रेन की लाइफ बहुत कम होती है और ज्यादा भी हो सकती है। पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन की अगर हम लाइफ की बात करें, तो वैसे तो इसकी लाइफ जो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है। लेकिन सुनना, कुछ जैसे अपने केरल्स वगैरह होते हैं ना बेटा, धान जो होता है केरल्स ना, राइस है वगैरह, ये ग्रेमिनी ग्रेमिनी फैमिली, या अभी पोएसी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं पोएसी, इसके जो हैं इसमें लगभग पोलन ग्रेन की लाइफ 30 मिनट्स होती है। कितनी होती है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसे में सोचना सर ने बहुत ज़्यादा बता दिया, ये एनसीईआरटी के आपके सिलेबस और जो नीट के सिलेबस में जो एड है वही बता रहा हूँ मैं आपको, नीट और एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और कुछ में कुछ मंथ तक भी हो सकती है बेटा, फ्यू मंथ तक भी इसकी एज हो सकती है, फ्यू मंथ्स तक इसके अंदर होती है। जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली है, दाल सोयाबीन वगैरह जितनी भी हैं लेग्यूमिनेसी के अंदर आते हैं ना बेटा, लेग्यूम लेग्यूमिनेसी दाल वगैरह से वगैरह सब आती है। सोलेनेसी है, आलू बैंगन वगैरह सारा, पोटेटो ब्रिंजल, ये सारा सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है। या रोजेसी ना, रोज स्ट्रॉबेरी वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो इन फैमिली के अंदर जो कुछ महीने तक भी इसकी एज होती है, कुछ महीने तक एज होती है किसकी, पोलन ग्रेन की। अब सुनना, पोलन ग्रेन जो है एलर्जी भी करते हैं, पोलन ग्रेन का बेनिफिट ही नहीं है, इसका नुकसान भी होता है इनसे कुछ। तो ये पोलन ग्रेन होते हैं, इसे एलर्जी होती है, इसे बोलते हैं पोलन एलर्जी। देखो समझना, पोलन एलर्जी जो एग्जाइन है, एग्जाइन के बाद जो गैप है, उस गैप में टेपिटम से कुछ प्रोटीन बनते हैं जो उस गैप को फिल करते हैं, है ना। जो एग्जाइन है, एग्जाइन में जो गैप है उसमें कुछ प्रोटीन बनते हैं, गैप है उसमें कुछ टेपिटम से बने हुए प्रोटीन फिट होते हैं जिससे वो गैप पूरा होता है। अब जब पोलन ग्रेन फ्री होते हैं तो
ह्यूमिडिटी में जब वाटर वेपर के संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, वाटर वेपर से संपर्क करते हैं, तो ये वाटर वेपर के संपर्क में आते हैं, ये प्रोटीन जो फ्री हो जाते हैं, फ्री होकर एनवायरमेंट में फैलते हैं, और ये ही सांस के साथ ह्यूमन बींग्स में जाता है, रेस्पिरेशन के साथ जाता है, और उसके अंदर जो एलर्जी क्रिएट करता है, और इस कारण से जो बीमारी फैलती है उसे बोलते हैं हे फीवर। क्या होती है? हे फीवर। नॉर्मली जो है ये बीमारी किस किस के पोलन ग्रंथ फैलाते हैं? पार्थेनियम। देखो ये पार्थेनियम है ना, इसको एक दूसरा नाम है हिंदी में का तो गाजर ग्रास कहते हैं, नहीं तो कैरेट ग्रास। ये अपनी इंडियन नहीं है बेटा, ये अपनी इंडियन नहीं है। एक्चुअली हमने क्या किया है, वीट इंपोर्ट किए थे, वीट इंपोर्ट किए थे ना, तो जो इंपोर्ट वीट के साथ ये कंटामिनेशन के रूप में आ गई, जो इंपोर्टेड वीट थे हमारे। इसके साथ किस फॉर्म में आ गई बेटा? कंटामिनेशन। एच मिनट, कंटामिनेंट बेटा। एक चीज ध्यान रखना, मैं कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाता, जो भी है सारा आपके सिलेबस में वही पढ़ा रहे, तो आप समझते रहे, ध्यान रखें। ऐसा मत सोचना सर तो एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा पार्थेनियम के अलावा आप चाहें तो अमेरेंथस भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और इसके अलावा चिनोपोडियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बात और कर देते हैं पोलन बैंक की, ध्यान रखना। पोलन बैंक क्या होती है? पोलन बैंक्स जैसे आप अपनी बैंक्स में क्या करते हो, मनी सेव रखते हो ना, मनी मनी इकट्ठा करके बैंक्स में रखते हो, वैसे वैसे पोलन को भी किसी जगह पर स्टोर किया जाता है, उसे बोलते हैं पोलन बैंक्स। तो पोलन ग्रेन को कैसे स्टोर किया जाता है, तो सुनना, -196 डिग्री टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो इसको स्टोर किया जाता है। ये टेम्परेचर कहाँ कौन मेंटेन करता है? ये लिक्विड नाइट्रोजन के कारण मेंटेन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, और इतने टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर किसी को भी स्टोर करते हैं तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा पोलन ग्रेन को पोलन बैंक में स्टोर करके हम रख सकते हैं। दोबारा समझना, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने देखा, देखो बेटा, हमने पोलन ग्रेन का स्पेरिकल शेप देख लिया, सेल वॉल देख ली, स्पोरोडियम, स्पोरोपोलिन, एग्जाइन, इंटाइन की बात कर ली, एग्जाइन के जो भी एग्जाइन के अंदर जो भी इसके थे वो हमने देख लिया, इंटाइन के भी हमने जो भी थे हमने देख लिया, उसके बाद पोलन प्रोडक्ट हमने टैबलेट और सिरप हमने बात कर ली, उसके बाद हमने बात किया पोलन प्रोडक्ट हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन होता है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है, और ये पोलन प्रोडक्ट जो है हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए काम आते हैं। किसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाते हैं? जो नॉर्मली एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स उसका हो या रेस पे दौड़ने वाले हॉर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए पोलन ग्रेन की टैबलेट ली जाती है। इसके अलावा पोलन ग्रेन की लाइफ की बात हमने की थी, तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, फिर भी क्रेल्स जैसे पोएसी फैमिली के अंदर ये 30 मिनट तक का इसकी लाइफ होती है, 30 मिनट के अंदर ये पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो खत्म हो जाएगा पोलन ग्रेन। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कुछ महीने तक भी पोलन ग्रेन की लाइफ होती है, जैसे लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी फैमिली के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है उनको कुछ मंथ तक लाइफ होती है। पोलन ग्रेन जो है इंसान के अंदर पोलन एलर्जी भी फैलाते हैं, जिसके कारण जो है फीवर डिजीज होती है। पोलन ग्रेन ये पोलन एलर्जी जो पार्थेनियम जो कैरेट ग्रासेज है वो फैलाती है, ठीक है, कैरेट ग्रासेज जो फैलाती है, और उसके बाद जो ये कैरेट ग्रास इंपोर्टेंट वीट के साथ कंटामिनेशन रूप में आई है, और इसके अमेरेंथस और चिनोपोडियम इन दोनों के द्वारा भी पोलन एलर्जी डिजीज फैलती है। फिर उसके बाद हमने बात की पोलन बैंक, पोलन बैंक के अंदर जो पोलन ग्रेन है उनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है और उनको स्टोर किया जाता है, और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, और ये इतना लो टेम्परेचर जो है लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से मेंटेन किया जाता है। चलो ये मेल गैमेटोफाइट तो यहाँ पर खत्म हुआ। अच्छा एक चीज सुनना, आपको अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा, और मुझे लगेगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है।
हम जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपकी वीडियो बना रहे हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो आप कर ही लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि हमारा जब भी वीडियो आए नेक्स्ट टाइम तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें ताकि सबका फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।